गुड मॉर्निंग एवरीवन, महोदय तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मजदूरी के निर्धारण के सिद्धांत की। मजदूरी के निर्धारण के सिद्धांत के लास्ट वीडियो थे, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि अलग अलग सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। हमने पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी किस तरीके से निर्धारित होती है उसके बारे में पढ़ा था। एक फर्म और उद्योग की क्या क्या कंडीशन होती है उसके बारे में पढ़ा था। उसके वीडियो लास्ट में जारी किए जा चुके हैं। आज हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति में अल्पकाल और दीर्घकाल के अंतर्गत एक फर्म है जो अपनी मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार करती है। और आज का हमारा हेडिंग यही रहेगा, पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण। अल्पकाल एवं दीर्घकाल अल्पकाल एवं दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में कब फर्म है जो अपनी मजदूरी किस तरीके से तय करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अल्पकाल की बात करते हैं। अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें भी कोई भी उत्पादक फर्म अपने उत्पत्ति के साधनों में क्या आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकती, जिसकी वजह से केवल जो मां पक्ष है वो प्रभावी रहता है। तो यदि हम इसमें बात करें मजदूरी के सिद्धांत में, तो अल्पकाल में क्या है श्रमिकों की पूर्ति एक लिमिट में ही रहती है। तो इस वजह से क्या है फर्म को तीन प्रकार की कंडीशन देखने मिल सकती है। यदि उनको सस्ते साधन मिल जाते हैं, मजदूरी जिनको दी जाती है यानी लेबर की बात कर रहे हैं, यदि सस्ते साधन मिल जाए तो अच्छा पेमेंट मिल जाता है, उनको अच्छी इनकम हो जाएगी। और यदि उनको महंगे मिलेंगे तो उनको फिर लॉस की स्थिति में भी आना पड़ सकता है। इस तरीके से क्या है जो तीन कंडीशन देखने मिलती है अल्पकाल में, असमान लाभ, समान लाभ और हानि की, वो इसी के कारण होती है। तो कि मजदूरी किस प्रकार की मजदूरी है जो लोगों को दी जा रही है, तो यही रीजन होता है उसका। तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्पकाल का, तो वो है अल्पकाल में असमान लाभ। अल्पकाल में ऐसा मान्यता प्रत्येक कब हम आती है, जब मजदूरी तो लोगों को दे कम और उनके द्वारा जो प्रोडक्शन है वो हो ज़्यादा, यानी मजदूर जो फर्म का जो आगम है यानी रेवेन्यू वो तो हो ज़्यादा और जो फर्म की लागत है वो हो कम। लागत किस रूप में होती है, मजदूरी के रूप में। तो मजदूरी कम होगी और मजदूरों का जो मजदूरी की जो प्रोडक्टिविटी है उत्पादकता वो ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है फर्मों को लाभ होता है, अतिरिक्त लाभ ही होता है। इसको किस तरीके से समझाते हैं देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम एक बात और बात कर रहे हैं कि फर्म का समय कहाँ होता है। फर्म का समय इसमें वहां होता है जहां MRP और MW बराबर हो, यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी सीमांत आगम उत्पादकता और मार्जिनल वेजेस सीमांत मजदूरी, ये जहां दोनों बराबर होते हैं वहीं फर्म का क्या होता है समय होता है। तो अब जब इनकी बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से दो टॉपिक और आते हैं हमारे, वो होते हैं ARP और एक होता है AW, ठीक है। ARP ये औसत आगम उत्पादकता होती है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, AW है एवरेज बेसिस, ठीक है। तो ये फर्म के दोनों क्या होते हैं लागत पत्र होते हैं, ठीक है। ये लोगों को पेमेंट करती है फर्म, तो ये दोनों फर्म के लागत पत्र होते हैं, ये फर्म के दोनों क्या है आगम पत्र होते हैं, ठीक है। श्रमिकों की जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है फर्म के लिए आगम है, क्यों, क्योंकि इतना प्रोडक्शन करके देंगे पैसा कमाएगी फर्म इसके द्वारा। तो ये तो है फर्म के लागत पत्र AW, और ये फर्म के क्या होते हैं आगम पत्र होते हैं ARP तथा MRP। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं असमान लाभ। असमान लाभ में क्या है, सबसे पहले हम डायग्राम के द्वारा इसको शो करेंगे, OXY खींचेंगे। सबसे पहले कर लिखेंगे मजदूरी, या इसको श्रम कीमत भी लिख सकते हैं, दस श्रम मात्रा, श्रम मात्रा। तो इस तरीके से इसको हम बता सकते हैं। सबसे पहले हमें जो वक्र बनाना होता है उन प्रतियोगिता में फर्म के जो लागत वक्र होते हैं AW बराबर MW, ठीक है।
एवरेज वेजेस एंड मार्जिनल वेजेस, ये कोण या लोचदार कंडीशन होते हैं, यानी ओ एक्स अक्ष के समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब क्या करना है, अतिरिक्त लाभ करना है। तो ये तो फर्म को क्या है, यहाँ डब्ल्यू यहाँ होता है, ठीक है, इसमें क्या, ये तो फर्म है जो श्रमिकों को पेमेंट कर रही है, लेकिन श्रमिक इससे भी कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन करके देगी, तब क्या होगा, जो फर्म को है वो लाभ होगा। तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी श्रमिकों की, वो क्या करेंगे, हम इससे अधिक करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से ए आर टी हम काटेंगे ऊपर से, ए आर टी, इसको एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ये फर्म के आधार पर करेंगे। इसके बाद में इसको इसके मैक्सिमम पॉइंट पे एम आर पी वो करें जो काटेगा और नीचे की ओर आएगा। मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, हाइएस्ट पॉइंट है वहाँ। तो इस तरीके से ये एम आर पी, ये अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार के क्यों है, ए आर पी और एम आर पी वक्र है, क्योंकि प्रोडक्शन में उत्पत्ति के तीन नियम लागू होते हैं, उसकी वजह से इनका आकार ऐसा होता है। ये इस तरीके क्या होता है, वैसे तो इस तरीके से उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम में उत्पादन बढ़ता है, उत्पत्ति समता नियम में उत्पादन समान रहता है, और उत्पत्ति ह्रास नियम में उत्पादन घटता आता है। ऑल ओवर यदि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसका आकार इस तरीके से ऐसे है, ठीक है, इनको इस तरीके से बनाया जाता है, तो इसीलिए इनका आकार है वहाँ पर इस तरीके का होता है, ठीक है, उत्पादन वक्रों का, जो उत्पादन वक्र के रूप में न होकर इनको रेवेन्यू कर्व के रूप में इसको समझा गया है। अब हम देखते हैं कि फर्म का सामने इक्विलिब्रियम हमने देखा था, जहाँ एम आर पी और एम डब्ल्यू बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम वहाँ होगा। तो हम देखेंगे कि एम आर पी एम डब्ल्यू का है, तो एम डब्ल्यू की लाइन यही है, ए डब्ल्यू की, तो एम डब्ल्यू समझ लेंगे इसको हम, एम आर पी डेल एस करके हमने बनाया है, तो यहाँ, ठीक है, नीचे मिलाते हैं ये इस क्वान्टिटी में, ये मजदूरी तय होगी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, और इस मजदूरी दर यहाँ तय होगी और ये क्वांटिटी तय होगी। इस क्वांटिटी में फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो कौन बताएगा, वो एवरेज वाले, ठीक है, एवरेज वाले दो टॉपिक है ए डब्ल्यू और ए आर पी, इन दोनों का डिफरेंस ही तय करेगा कि फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो हम देखते हैं कि आगे किस तरीके से क्या हो रहा है। अब देखो सबसे पहले इस उत्पादन स्तर को ऊपर लेके चलते हैं, सबसे पहले ए डब्ल्यू के जो आदर्श करता है, ये पहले से दस इधर मिला इधर मिलाना था, पहले से मिलाया नहीं मिलाने की जरूरत है, ऊपर और चलते हैं ए आर पी के, टच किया है इधर मिला, इसका नाम है एस, इसका नाम है टी, इसका नाम ऑलरेडी ई नाम दे रखा है हमने। इस तरीके से आप देखोगे इस उत्पादन स्तर पर क्या पेमेंट दिया जा रहा है और क्या प्रोडक्टिविटी है लेबर की। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ओ से लेके ई तक, ठीक है, ये एवरेज वेजेस है, ये मजदूरी दी जा रही है इनको, यानी ई क्यू क्या है, मजदूरी है, और रेवेन्यू कितनी है इनकी फर्म की, यानी फर्म श्रमिकों की जो उत्पादकता वो कितनी है, टी तक है, तो टी क्यू तो है प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, और ई क्यू है मजदूरी, उत्पादकता ज़्यादा है कितनी, टी ई तक, तो ये एक्स्ट्रा मिल रहा है फर्म को, तो ये ही क्या है फर्म का अतिरिक्त लाभ है। तो इस तरीके से ये क्या है, इसको हम ये थोड़ा सा हल्का सा इसको फिलअप करेंगे इस तरीके से, और इसको लिखेंगे अतिरिक्त लाभ। अतिरिक्त लाभ श्रम शोषण को भी शो करता है ये, ठीक है, तो अतिरिक्त लाभ को हम एक श्रम शोषण के रूप में भी इसको समझ सकते हैं, इसको श्रम शोषण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको पेमेंट तो दिया जा रहा है कम और इनसे काम लिया जा रहा है ज़्यादा, या इनकी उत्पादकता ज़्यादा है, उस इनकी उत्पादकता से इनको पेमेंट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, इसलिए इसको श्रम शोषण की स्थिति भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप डायग्राम के द्वारा इसे समझा सकते हैं। अब हम इस डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे, इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम बताते हैं कि ओ एक्स पे क्या लिखा है, ओ वाई पे क्या लिखा है, ओ एक्स पे क्या लिखा है श्रम मात्रा, ओ एक्स क्या लिखते हैं श्रम मात्रा, ओआई में क्या लिखना है मजदूरी, ठीक है, ये मजदूरी लिखते हैं। इसके बाद में सीधा चलते ई पे, ई हमारा ई क्या कहेंगे, ई फर्म का समय है जहाँ ओ डब्ल्यू मजदूरी पर ओ क्यू श्रम मात्रा का निर्धारण होता है, इसमें ऐसे लिखना है ओ डब्ल्यू मजदूरी पर ओ क्यू श्रम मात्रा का निर्धारण होता है, इस तरीके से पूरा डिटेल से लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा। उसके बाद में हमें बताना है ए डब्ल्यू एम डब्ल्यू क्या है, ए डब्ल्यू और एम डब्ल्यू क्या है, तो ये है फर्म के लागत वक्र है, ठीक है, इनको कहेंगे फर्म के लागत वक्र।
के एम आर के और क्या है, ये फर्म के आगम वक्र है, ठीक है, क्या कहते हैं फर्म के आगम वक्र है, नाम का पूरा लिख सकते हो, औसत आगम उत्पादकता, सीमांत आगम उत्पादकता, औसत मजदूरी, सीमांत मजदूरी, इस तरीके से इनको लिख सकते हो। उसके बाद उनके बारे में बताइए लाभ कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ध्यान रखेंगे कुल लाभ, फर्म को कुल लाभ कितना हो रहा है, यहां करेंगे बात यहां से डब्ल्यू एस टी ई, डब्ल्यू एस टी, ये फर्म को कुल लाभ मिल रहा है। अब बात करेंगे फर्म की कुल लागत कितनी है, तो यहां से लागत वाले ये होते हैं ना, तो यहां से बताएंगे क्यू ई डब्ल्यू ओ, इधर से बोलते हैं ओ डब्ल्यू ई क्यू, कुल लागत ओ डब्ल्यू ई क्यू के रूप में कुल लागत लग रही है, ठीक है, और कुल आगम कितना है, रेवेन्यू वाला ये वक्र ठीक है, स्वतंत्र को ये पूरा क्षेत्र है ऊपर वाला, ये कुल आगम है, तो कहेंगे ओ एस टी क्यू, कुल आगम ओ एस टी क्यू, ये कुल आगम होता है, ठीक है, ये सॉरी कुल आगम है फर्म का। तो इस तरीके से ये फर्म का लागत और आगम हमने इनको थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब करते हुए लिखना है कि ये फर्म के इतने आगम वक्र है, ये लागत वक्र है, ये फर्म का कुल लाभ है, थोड़ा सा इसको हिंदी में लिखोगे तो डिस्क्राइब थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए। अब क्या बताना है, मेन रीजन देना है कि फर्म को लाभ क्यों हो रहा है, ठीक है, तो लाभ होने का कारण क्या है, क्योंकि फर्म की जो उत्पादकता है, ठीक है, वो तो अधिक और लागत है वो कम है, तो इसमें यहाँ मैं लिख देता हूँ वैसे ए आर पी ग्रेटर देन ए डब्ल्यू, ठीक है, दैट रीजन ऑफ द अबनॉर्मल प्रॉफिट, ये अबनॉर्मल प्रॉफिट का कारण है कि ए आर पी ज़्यादा है और ए डब्ल्यू है जो कम है, तो इसमें आ रही है फर्म को अधिक लाभ हो रहा है, फर्म को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है क्योंकि आगे लिखेंगे क्योंकि फर्म की औसत आगम उत्पादकता, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो ए आर पी, फर्म की औसत आगम उत्पादकता अधिक है औसत वेजेस से, औसत मजदूरी से, ए आर पी ग्रेटर देन ए डब्ल्यू, हिंदी में भी लिख सकते हैं, थोड़ा ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा गया है, अतः क्या होगा, अतः अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, इस तरीके से इसको डिटेल से आगे लिखना होता है। तो इस तरीके से हम एक फर्म है जो अल्पकाल में अतिरिक्त लाभ किस तरीके से प्राप्त करती है ये समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।